हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली की सीरीज रोचक बातें। अक्सर कुछ देर आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पता चलता है कि पैर सो गया। कभी कभी ऐसा हाथों के साथ भी हो जाता है। बहुत देर तक आलती पालती मारकर बैठने से पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि पैर है ही नहीं या फिर कई सुइयां चुभ होती हैं। ठीक ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर से हाथ कुर्सी पर टिकाए रखने से या हाथ के बल सोने से उसमें झंझनाहट पैदा होने लगती है, लेकिन कुछ देर हिलने डुलने या फिर चलने से सब ठीक हो जाता है। साइंस के मुताबिक हाथ पैर का सोना बहुत ही आम बात है। असल में एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से हमारी कुछ नसें दब जाती हैं, जिसके कारण हमारे हाथ पैरों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पार्ट्स बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। जब दिमाग को ये पता चलता है तो वह इन झटपटाते पार्ट्स की मदद करने के लिए हमें झंझनाहट का सिग्नल देता है, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हाथ या पैर दिन में कई बार सोने लगे या झंझनाहट दूर करने में बहुत समय लगने लगे तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि MRI और ब्लड टेस्ट से नसों का हाल पता चल सके। अगर झंझनाहट बहुत ज़्यादा है तो ये कारण हो सकते हैं। गले से लेकर हाथ या पीठ से लेकर पैर के तलवों तक अगर झंझनाहट महसूस हो तो हो सकता है किसी चोट या गलत तरीके से बैठने या गठिया जैसी बीमारी के कारण कोई नस दबी हो। फिजिकल थेरेपी और दवाइयों से ये ठीक हो सकता है। अगर आपके सिर्फ एक हाथ में नहीं बल्कि दोनों हाथ में झंझनाहट महसूस होती है तो इसके लिए विटामिन B12 की कमी जिम्मेदार है। ब्लड टेस्ट में अगर ये दिक्कत सामने आती है तो विटामिन B12 की चीज़ों या इंजेक्शन से इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप दिन भर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर टाइपिंग करते रहते हैं तो हो सकता है आपकी उंगलियों के रिपीट मोशन की वजह से उनकी नसें दब जाएं और झंझनाहट महसूस होने लगे। अगर झंझनाहट का यही कारण है तो आपको अपनी दिनचर्या में खासे बदलाव लाने की ज़रूरत है। दवाइयाँ, फिजिकल थेरेपी और सर्जरी से ये सही हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आने से झंझनाहट महसूस होने लगती है, इसका MRI या CT स्कैन से पता चलता है। इलाज ये देखकर किया जाता है कि दिक्कत कितनी बड़ी हुई है। इसका इलाज फिजिकल थेरेपी, इंजेक्शन या सर्जरी से पॉसिबल है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, सुन या झंझनाहट का एहसास होता है, साथ ही डबल चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हो सकता है आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। ये बीमारी MRI से पता लगाई जा सकती है। ऐसे इलाज संभव है जिससे ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।